नागरिकता बिल को लेकर जहां दिल्ली की जामिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी प्रदर्शन के दौरान छात्र और पुलिस में झड़प हो गई थी। जैसे ही झड़प की सुनाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को लगी, तो नागरिकता बिल की आग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फैल गई और AMU के छात्र भी इस बिल में विरोध में हिंसात्मक प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान बाबा सैयद गेट पर आकर छात्रों ने लोहे के गेट को उग्र होते हुए हिला हिला कर तोड़ दिया और AMU की सड़कों पर निकलकर पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव होना शुरू हो गया। इस पथराव के दौरान DIG से लेकर कई पुलिसकर्मी और बहुत से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको इलाज के लिए अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद AMU के बाबा सैयद गेट और कैंपस के पास लगे CCTV कैमरे में वह उपद्रवी छात्र कैद हो गए, जिन्होंने बाबा सैयद गेट को हिला हिला कर तोड़ दिया था और पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया था। सभी को ट्रेस कर लिया गया है। उन्हें CCTV फुटेज और वीडियो के आधार पर अलीगढ़ के SSP आकाश कुल्हारी ने AMU छात्रों को वीडियो के आधार पर चिन्हित कर रेस्टिगेट करने के लिए AMU प्रशासन को पत्र लिखा और जानकारी देते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन को एक पत्र लिखा गया है। पत्र में वीडियो के आधार पर उन छात्रों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने 15 दिसंबर की रात नागरिकता बिल को लेकर उपद्रव किया था। उपद्रवी AMU छात्रों के खिलाफ अलीगढ़ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया था। उन्हीं AMU छात्रों को वीडियो के आधार पर चिन्हित करते हुए AMU प्रशासन को वीडियो और फोटो एविडेंस के तौर पर जिला पुलिस द्वारा एक पत्र AMU प्रशासन को भिजवाया गया है। वह उपद्रवी छात्रों को चिन्हित करके उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जाएगी। सूचना है, इस पर हम लोगों को ये पता चला कि एक पुरुष को जला दिया गया है। हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो ये पता चला कि उस पुरुष की पत्नी की मृत्यु 2-3 साल पहले हो गई थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चल रहा था और उसने खुद को ही आग लगा ली है। बाकी छानबीन की जा रही है, हमको जैसे ही कोई तहरीर मिलेगी हम इस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। जिसमें जो भी मेन कल्प्रिट जो कि आइडेंटिफाइड हुए थे 15 तारीख की रात वाली घटना में, जिनके खिलाफ में मुकदमा लिखा गया था, उनका सबका नाम देते हुए और वीडियो और फोटो एविडेंस देते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जो है, जिला पुलिस के द्वारा एक लेटर जो है वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है भेजा गया है AMU प्रशासन को कि इन सबको जो है रेस्टिगेट करें और उनके खिलाफ में कार्रवाई करें। सर कितने छात्रों हैं खिलाफ इसमें? जो है अब तक 12 को हमने चिन्हित करके जो है भेजा है, जो कि वर्तमान में वहाँ पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ में कि इनके खिलाफ में जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई कार्रवाई करे। नहीं, और बाकी जो वहाँ पे 4 लोगों को जो कि बाहर के थे, जो कि एक्स AMU के स्टूडेंट थे, जो कि अब की AMU में नहीं है, और वो उनके द्वारा AMU में आकर के इस तरह से लीड किया गया था, तो उनके खिलाफ में जो है और उनके खिलाफ में विभिन्न मुकदमे भी हैं। केवल ये मुकदमा नहीं है, उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। जैसे कि आमिर मिंटो है, वो खुद क्रिमिनल रहा है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके और उनके खिलाफ में गुंडा एक्ट के तहत में कार्रवाई कर